नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट के बारे में। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक बैंकिंग प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये जो रैंकिंग टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि लास्ट ईयर नहीं आया था बट पूछा जा सकता है इस साल। आसान क्वेश्चन होते हैं, पजल में एक पजल में इसको भी डाला जा सकता है। पजल जैसा ही ये भी होता है बट ये टॉपिक अलग है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अभी शो कर रहा होगा, देखिएगा। पहले तो क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने साइड में रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। 5 पर्सन ए बी सी डी ई एफ है, ए बी सी डी ई हैव डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट के हैं, ठीक है। लेस देन 2 पर्सन आर शॉर्टर देन डी, तो लेस देन 2 पर्सन, तो यहाँ कहने का क्या मतलब है? देखिएगा पहला क्वेश्चन, यहाँ कहने का क्या मतलब है कि लेस देन 2 पर्सन, मान लीजिए 5 आदमी को बना लीजिए, ऐसे हाइट के अनुसार 5 आदमी को अरेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे 5 आदमी को क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने अरेंज कर लिया 5ों आदमी को। अब यहाँ पे या तो डी यहाँ पे होगा और नहीं तो डी क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे अंतिम में होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डी या तो इस पोजीशन पे होगा नहीं तो इस पोजीशन पे होगा, क्यों? क्योंकि डी के बाद 2 से कम आदमी बैठेंगे, या तो एक आदमी बैठेगा नहीं तो कोई आदमी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि एज मेनी पर्सन आर टॉलर देन डी आर शॉर्टर देन सी। तो अगर डी से टॉलर 3 आदमी है तो सी से शॉर्टर क्या होंगे, 3 आदमी होंगे। सी यहाँ पे बैठेगा तब डी से टॉलर कोई नहीं है तो सी से भी टॉलर कोई नहीं होगा, सी सबसे लंबा होगा, ठीक है। तो ये भी लाइन को हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, तो यहाँ पे लिखिए ए इज टॉलर देन बी, मतलब ए इज टॉलर देन बी और शॉर्टर देन, ये लिखा है ना, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, तो यहाँ तक हो गया। बी इज नॉट शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब बी यहाँ पे नहीं हो सकता है, बी इस जगह पे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 ही आदमी को बैठाना है तो यहाँ पे बैठा दीजिए ई ए बी, और यहाँ पे बैठाएंगे शॉर्टेस्ट, नहीं तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो एक जगह ये खाली है, ई यहाँ पे खाली है और बी यहाँ पे होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये वाला क्या है ना, ये वाला सही है। तो देख सकते हैं कि रैंकिंग टेस्ट हमने बना लिया पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि इफ, आगे क्या दिया, दी हाइट ऑफ द थर्ड पर्सन इज 86। अब तीसरे आदमी का जो हाइट है ना वो 86 दिया हुआ है, यहाँ पे 86 लिख दिया हमने तीसरे आदमी का हाइट। तो पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन इज 68, अगर शॉर्टेस्ट पर्सन का जो हाइट है वो 68 है, शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, डी 68 है, तो देन व्हाट में बी द हाइट ऑफ बी, तो बी का हाइट क्या होगा, तो 68 और 86 के बीच में जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 68 और 86 के बीच में, ठीक है। तो ऑल अबव हो जाएगा हाइट, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पुट हो सकते हैं 66 से लेके 68 के बीच में। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कितने आसानी से हमने बनाया और क्वेश्चन आसान है दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन सी, सी से लंबे कितने आदमी है, तो सी से लंबे एक भी आदमी नहीं है क्योंकि सी सबसे लंबा है, तो नन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट शॉर्टर देन ई, ई से तुरंत बाद, जस्ट बाद है, शॉर्टर कौन है, तो ए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ए लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 3 ही क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। अगला अब सेट आ गया, वेट वाला सेट आ गया। तो देखिएगा अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि 6 आदमी का अलग अलग वेट दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी डी ई एफ, कोई भी 2 आदमी का वेट समान नहीं है, ओनली 2 पर्सन हैव लाइटर देन ए। तो पहले हम क्या करते हैं, हाइट के अनुसार 6 आदमी को अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने 6 आदमी को अरेंज कर लिया, ये आप लोगों को दिख रहा होगा।
अब यहां बोला गया है कि ओनली 2% लाइटर देन ए, मतलब ए यहां पे होगा केवल दो ही आदमी ए से क्या है हल्का है, ठीक है, तो दो आदमी। तो उसके बाद लिखा हुआ बी इज हैवियर देन ए, तो यहां पे बी इज हैवियर देन ए, बी इज हैवियर देन ए, बी इज हैवियर देन ए ऐसे लिख लिए, और बट सी, बट लाइटर देन सी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, बट लाइटर देन सी एंड डी, जो बी है ना वो सी और डी दोनों से हल्का है, जो बी है सी से भी हल्का है और डी से भी हल्का है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, डी और सी में से नहीं पता है कि कौन ज्यादा भारी है अभी तक हम लोग को, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ लिखे, यहाँ पे बनाते हैं, दिख रहा है एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी, तो ये बन गया एक और इक्वेशन। अब सबको मिलाइए, सबको मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, सबको मिलाना है हम लोग को, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कि सी बी डी ऐसे लिख लिया हमने, हमने लिखा सी बी डी, उसके बाद बी ए से भारी है तो ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, अब डी के बाद ई एफ आएगा और ई आएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा और यहाँ पे ई होगा, तो ये छः आदमी को हमने क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कुछ पूछे गया, तो देखिएगा हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ, कितने आदमी एफ से भारी है, तो एफ से भारी कितने आदमी है, एफ से भारी कितने आदमी है, तो एफ से भारी केवल चार आदमी है, तो एफ से भारी चार आदमी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। उसके बाद पूछा गया है कि इफ इफ सम ऑफ द वेट ऑफ ई और ए, ई और ए आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आगे लिखा नहीं, केवल अरेंज करके छोड़ दिया। क्वेश्चन में देखिएगा नीचे दो लाइन लिखा हुआ है, द वेट ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन इज 115, सेकंड हैवीएस्ट पर्सन मतलब इसका वेट है 115, दूसरे का, दूसरे पर्सन का वेट कितना है 115, बी का वेट दिया हुआ है 115, एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट पर्सन इज 56 kg, मतलब ई का वेट दिया हुआ है 56 kg, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ ई और ए, ई और ए मतलब 56 प्लस में ए इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, इक्वल टू में 131, तो 131 में से 56 को घटाइएगा तो ए का निकलेगा, ए का वेट कितना हो जाएगा, 56 घटा दीजिए तो यहाँ 75 निकलना चाहिए, 75 kg का ए होगा, तो देखिएगा 75 kg का ए निकल गया। उसके बाद एंड द सम ऑफ वेट ऑफ बी और डी इज 213, बी और डी को ऐड करेंगे तो 213 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं बी प्लस में डी इक्वल टू में 213। अब हम लोग को बी का वेट दिया हुआ है, बी का वेट 115 है, तो 115 घटा दीजिए 213 में से, तो कितना आ जाएगा, 15 घटाइएगा तो 213 में से ये आ जाएगा 98 kg आ जाएगा, 98 kg आ जाएगा, तो 98 kg किसका हो जाएगा, डी का वेट हो जाएगा, डी का वेट कितना हो जाएगा, 98 kg हो जाएगा। अब पूछा ए और बी का वेट कितना हो जाएगा, अब हम लोग से क्या पूछा, वेट ऑफ ए एंड बी, वेट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का तो डायरेक्ट निकलेगा 75, और बी का कितना दिया हुआ है, बी का तो पहले से दिया हुआ था, बी का 115 दिया हुआ था, यहाँ दोस्तों ए और डी का होगा, ए और डी का होगा, ठीक है ना, तो ए और डी का वेट कितना हो जाएगा, ए और डी का वेट हो जाएगा 75, और ये 98 प्लस में 75 मतलब 173 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 173, देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ ना 173, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, तो आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार आप बना लेते हैं तो काफी आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों रैंकिंग टेस्ट में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे सभी को हमने इस वीडियो में देख लिया, इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।